दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जब दानिश को होश आता है तो दानिश की ज़ुबान पर फिज़ा का ही नाम होता है। फिज़ा को भी अब ये मालूम हो जाता है कि दानिश उसे कितनी मोहब्बत करता है। अब फिज़ा दानिश को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और आखिरकार दानिश ठीक हो जाएगा, जिसके बाद जहां आरा बेगम भी फिज़ा से माफ़ी मांग लेगी कि फिज़ा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें और दानिश को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे को दूसरी ज़िंदगी मिली है। और अगर बात करें फाइक की, तो फाइक की मामा अपने बेटे के हाथों मजबूर हो जाएगी और फाइक और अनम की शादी के लिए राज़ी हो जाएगी, लेकिन अब लाइक अहमद फाइक की मामा को इनकार कर देगा। तो दोस्तों, ये सब कुछ देखेंगे आप आने वाली एपिसोड में।